तो वेलकम दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं सीव एनालिसिस के टू ट्रिक्स। तो इसमें फर्स्ट तो है राइट कैलकुलेशन और बैक कैलकुलेशन। बहुत सारे लोग जो साइट पे या क्यूसी लैब में जो काम किए हैं उन्हें तो राइट कैलकुलेशन आता ही होगा, लेकिन बैक कैलकुलेशन बहुत कम लोगों को आता है दोस्तों। तो ये बैक कैलकुलेशन जो है, अगर आपको राइट कैलकुलेशन से कोई रिपोर्ट बनाना होगा तो उसको बहुत टाइम लगता है दोस्तों। वही अगर आप बैक कैलकुलेशन से बनाएंगे तो विद इन मिनट में आप रिपोर्ट बना सकते हो दोस्तों। तो ऐसी जानकारी के लिए, ऐसी नए नए ट्रिक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ले स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीव एनालिसिस का जो IS कोड है वो IS 2720 पार्ट 4 है। उसी तरह अब हम देखेंगे राइट कैलकुलेशन। सबसे पहले तो ये सीव एनालिसिस में सबसे पहले हम मटेरियल लेंगे, टोटल वेट ऑफ सैंपल जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है 2000 ग्राम्स। और उसी तरीके से हम IS सीव साइज MM में लिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहली सीव जो है वो 40 mm, 20 mm, 10, फिर 4.75 mm, 2 mm, फिर ये 0.6 mm, 0.425 mm, 0.212 mm, 0.075 mm, फिर आखिरी में जो होगा वो हमारा पैन रहेगा। तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट में बताता हूँ कि फॉर्मेट में दिया क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले वेट ऑफ सैंपल रिटेन ऑन इच सीव ग्राम में रहेगा। तो वेट, कम्युलेटिव वेट ऑफ सेकेंड जो है वो कम्युलेटिव वेट रिटेन ऑन इच सीव, ये भी ग्राम में रहेगा। थर्ड जो कॉलम है वो है परसेंटेज रिटेन ऑन इच सीव, तो परसेंटेज रिटेन का रहेगा। और ये रहेगा परसेंटेज ऑफ पासिंग ऑन सीव। आखिरी का जो है पांचवा, वो स्पेसिफिक लिमिट, जो भी आपके स्पेसिफिक लिमिट है यहाँ पे रहेगा। लेकिन ये जो ग्रेडेशन है ये हम सॉइल का देख रहे हैं, इसके लिए इसकी स्पेसिफिक लिमिट नहीं रहेगी दोस्तों। तो सबसे पहले हम दोस्तों टोटल वेट ऑफ सैंपल लेंगे 2000 ग्राम, फिर 40 mm सीव से उसे उसका ग्रेडेशन करेंगे। तो 40 mm सीव ले ली, उसको अच्छे से सैंपल, पूरा सैंपल डाल के उसको ग्रेडेशन करेंगे या सब मिलेगा। तो लेट स्टार्ट करते हैं। तो हमने तो 2000 ग्राम सैंपल लिया है, तो उसका 40 mm का पहला जो वेट है वो आ गया 215 ग्राम, 215 ग्राम है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका एक फार्मूला बताना चाहूँगा कि किस तरीके से परसेंटेज ऑफ रिटेन काटना है। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो राइट कैलकुलेशन में परसेंटेज रिटेन इज इक्वल टू वेट ऑफ सैंपल रिटेन ऑन इच सीव डिवाइड टोटल वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। अगर करोगे तो आपको परसेंटेज रिटेन मिलेगा। तो देखते हैं, अपना आया था 40 mm का 215। तो हमें लेंगे 215 डिवाइड टोटल वेट ऑफ सैंपल, दैट इज 2000 ग्राम, दैट इज डिवाइड 2000 ग्राम मल्टीप्लाई 100 करना है। तो मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 10.75, ठीक है। तो ये तो टोटल वेट ऑफ सैंपल है, ये कम्युलेटिव वेट सेम ही आएगा। पहला जो सीव रहेगा उसका कम्युलेटिव वेट सेम ही आएगा, परसेंटेज ऑफ रिटेन जो कि हमने निकाला 10.75। आप यहाँ जो परसेंटेज ऑफ पासिंग है वो निकालना है 100 माइनस 10.75, तो ये आपका निकलेगा परसेंटेज ऑफ पासिंग, दैट इज 89.25। तो
इसी तरीके से हम निकालेंगे 20 mm सीव। तो 20 mm का समझ लीजिए 235 ग्राम आ गया। तो ये स्टेप बहुत ही ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा चेंज होगा कम्युलेटिव वेट में। तो कम्युलेटिव वेट में आपको 235 प्लस 215 करना है दोस्तों, 215 दैट इज 450 दैट इज 450। इसी तरीके से परसेंटेज रिटेन निकालना है, तो 450 डिवाइड टोटल वेट था हमें पता है 2000 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 अगर करेंगे तो अपना ये परसेंटेज रिटेन आएगा 22.5, ये अपना परसेंटेज रिटेन हो गया। तो इसी तरीके से 100 माइनस परसेंटेज रिटेन दैट इज 22.5 अगर करेंगे तो अपना ये आएगा परसेंटेज ऑफ पासिंग दैट इज 77.50। तो इसी तरीके से हमें हर एक का निकालना है, जैसे कि 10 mm पासिंग, 10 mm में हमारा रिटेन आ गया 146। तो इसी तरीके से 146 प्लस ये कम्युलेटिव वेट जो 450 आया था उसमें ऐड करेंगे 450 दैट इज 596 दैट इज 596। तो 596 डिवाइड टोटल वेट हमें पता है 2000 ग्राम सॉरी, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 29.80। इसी तरीके से 100 माइनस 29.8 अगर करेंगे तो अपना आएगा परसेंटेज ऑफ पासिंग दैट इज 70.20। तो इसी तरीके से आपको सब सीव का निकालना है। तो फिर से मैं आपको रिमाइंड करता हूं कि इसका फॉर्मूला जो है परसेंटेज रिटेन निकालने का, तो वेट ऑफ सैंपल रिटेन ऑन इस सीव डिवाइड टोटल वेट ऑफ सैंपल इनटू 100 अगर करेंगे तो आपको ये परसेंटेज रिटेन मिलेगा। तो चलिए फिर से मैं आपको 4.75 mm का एक सीव बताता हूँ। जैसे कि अपना यहाँ पे रिटेन परसेंटेज सॉइल अपना ये 4.75 पे 298 रिटेन हो गया, 298 ग्राम रिटेन हो गया। तो 298 प्लस कम्युलेटिव वेट अपना यहाँ पे है तो 596 उसमें ऐड करेंगे तो 894 आ गया। तो 894 यहाँ पे कम्युलेटिव वेट में आएगा 894 डिवाइड इसको करेंगे टोटल वेट दैट इज 2000 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 अगर करेंगे तो उसको ये आएगा 44.70 ये आ गया अपना परसेंटेज रिटेन। तो अपने को निकालना है परसेंटेज ऑफ पासिंग, तो 100 माइनस 44.70 करेंगे तो ये आ जाएगा 55.30 ये अपना होगा परसेंटेज ऑफ पासिंग। इसी तरीके से 2 mm ये मैं निकालता हूँ दोस्तों। इसी तरीके से मैं पूरा सीव करके लिया हूँ दोस्तों, यही मेरा वेट आ गया है, सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना है। तो अभी सिर्फ 350 है, 350 प्लस 894 करेंगे जो ऊपर का कम्युलेटिव वेट था 894 दैट इज 1244 डिवाइड करेंगे उसको 2000 टोटल वेट ऑफ सैंपल से मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये अपना आ गया परसेंटेज रिटेन 62.20। तो हमें परसेंटेज ऑफ पासिंग निकालना है, तो 100 माइनस 62.20 दैट इज अपना 37.80 ये परसेंटेज ऑफ पासिंग हुआ। उसी तरीके से 243 0.600 mm का निकालना है, 243 प्लस
1244 243 प्लस 1244 दैट इज 1487 डिवाइड करेंगे इसको टोटल वेट ऑफ सैंपल से मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 74.35। तो हम परसेंटेज ऑफ पासिंग निकालना है तो 100 माइनस करेंगे 74.35 करेंगे तो ये आ जाएगा 25.65 दैट इज परसेंटेज ऑफ पासिंग 25.65। तो इसी तरीके से 0.425 mm का 171 प्लस करेंगे 1487 कम्युलेटिव वेट जो है दैट इज 1487 ये आ जाएगा आपका टोटल कम्युलेटिव वेट 1658 ये 1658 डिवाइड करेंगे उसको टोटल वेट ऑफ सैंपल से मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न आएगा 82.90। तो परसेंटेज ऑफ पासिंग निकालना है तो हमें 100 माइनस 82.90 करना है। इसी तरीके से 17.10 हमारा परसेंटेज ऑफ पासिंग आ गया। उसी तरीके से 133 ये अपना 0.121 mm का सीव का रिटेन है तो इसी तरीके से 1658 इसमें ऐड करेंगे तो 1658 दैट इज 1791 डिवाइड टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 89.55। ये तो हो गया हमारा परसेंटेज रिटेन। अब हमें परसेंटेज ऑफ पासिंग निकालना है तो 100 माइनस 89.55 तो यह अगर 10.45 अपना परसेंटेज ऑफ पासिंग। उसी तरीके से 0.075 mm का 85 रिटेन आ गया 85 रिटेन वेट आ गया प्लस इसको कम्युलेटिव वेट में ऐड करना है 1791 प्रीवियस कम्युलेटिव वेट में ऐड करना है तो ये अपने को प्रेजेंट कम्युलेटिव वेट आएगा 1876। तो 1876 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सैंपल करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये अपना परसेंटेज रिटर्न आएगा दैट इज 93.80। तो वही हमें परसेंटेज ऑफ पासिंग निकालना है तो 100 माइनस 93.80 दैट इज 6.20। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे तो सब आपको कैलकुलेशन एक्यूरेट मिलेगा। ये राइट कैलकुलेशन हो गया। राइट कैलकुलेशन से बहुत टाइम लगता है दोस्तों। उसी तरीके से अब देखिए अपना टोटल जो वेट था 2000 ग्राम था माइनस 1876 करेंगे तो ये 124 पैन हमारा बच गया दोस्तों। तो इसी तरीके से अब हमें बैक कैलकुलेशन भी सीखना है दोस्तों। तो इसमें मैं आप सबको सबसे पहले ठीक है ग्रेडेशन तो हमारा ख़त्म हो गया दोस्तों लेकिन हमें ये ग्रेडेशन में से ये सॉइल का ग्रेडेशन तो हमें ग्रेवल सैंड और सिल्ट और क्ले का परसेंटेज जो है वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो हमें सबसे पहले ग्रेवल फाइंड आउट करेंगे तो ग्रेवल जो रहेगा 4.75 mm सीव का परसेंटेज ऑफ रिटेन रहेगा दैट इज 44.70 ये हमारा ग्रेवल परसेंटेज हो गया। उसी तरीके से सिल्ट और क्ले हमें इजीली फाइंड आउट होगा जैसे कि 0.075 mm का परसेंटेज ऑफ पासिंग यह हमारा सिल्ट एंड क्ले रहेगा दैट इज 6.20। तो हमें निकालना है सैंड ठीक है तो हमें क्या करना है ये 44.70 प्लस ग्रेवल प्लस सिल्ट एंड सैंड सिल्ट एंड क्ले हमें ऐड करना है 6.20 ये कितना होगा 50.90 माइनस 100 करेंगे दैट इज 49.10 ये हमारा हो गया सैंड 49.10। इसी तरीके से हमारा ये ग्रेडेशन राइट कैलकुलेशन से कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो हमें बैक कैलकुलेशन की ट्रिक भी आपको बताना है
तो बैक कैलकुलेशन का ट्रिक मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ जिससे आप इसी तरीके से पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो बैक कैलकुलेशन करते समय हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, हम राइट कैलकुलेशन इधर से स्टार्ट करते हैं लेकिन बैक कैलकुलेशन इधर से स्टार्ट करेंगे। दैट इज सबसे पहले तो हमें यहाँ का परसेंटेज ऑफ पासिंग डिफाइन करना है, जैसे कि 89%, ठीक है 89.25 हमने यहाँ इसको डिसाइड किया है कि हमें 89.25% ही चाहिए। तो इसका एक फार्मूला है, दैट इज कम्युलेटिव वेट। पहले हम राइट कैलकुलेशन से परसेंटेज रिटेन निकालते थे लेकिन बैक कैलकुलेशन से कम्युलेटिव वेट निकलेगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है, कम्युलेटिव वेट इज इक्वल टू, ये बैक कैलकुलेशन का फार्मूला है, तो दैट इज कम्युलेटिव वेट इज इक्वल टू परसेंटेज रिटेन मल्टीप्लाई बाय टोटल वेट डिवाइड 100 अगर करेंगे तो आपको ये कम्युलेटिव वेट आएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, तो ये होगा 89.25। उसी तरीके से आपको क्या करना है, 100 माइनस 89.25 करना है, दैट इज 10.75 हमारा परसेंटेज रिटेन आ गया। ठीक है, परसेंटेज रिटेन जैसे कि फॉर्मूले में वेट, कम्युलेटिव वेट इज इक्वल टू परसेंटेज रिटेन मल्टीप्लाई बाय टोटल वेट डिवाइड 100 है, तो उसी तरीके से परसेंटेज रिटेन मल्टीप्लाई टोटल वेट करना है। टोटल वेट तो हमें पता है 2000 ग्राम, डिवाइड हमें क्या करना है 100 करना है, दैट इज 100। ये हमारा आ गया 215, देन 215 ग्राम। तो उसी तरीके से मैं आपको सेकंड वाला भी एक बताता हूँ, ये ट्रिक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, स्किप ना करिए वीडियो को। उसी तरीके से 100 माइनस 77.50 करना है, तो 77.50 करेंगे तो ये हमारा आएगा परसेंटेज रिटर्न 22.50। तो हमें ये पता नहीं है, हम ये निकाल रहे हैं बैक कैलकुलेशन से, दैट इज ये हमारा टोटल वेट ऑफ सैंपल है, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय टोटल वेट, परसेंटेज रिटर्न मल्टीप्लाई बाय टोटल वेट, ये फॉर्मूला है, तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से, दैट इज 450 आ गया दोस्तों, 450। तो आपको निकालना है वेट ऑफ सैंपल रिटेन ऑन ईच सीव, दैट इज 450 माइनस आपको ये प्रीवियस कम्युलेटिव वेट करना है दोस्तों, प्रीवियस कम्युलेटिव वेट 450 माइनस प्रीवियस कम्युलेटिव वेट जो था अपना 215 था, तो इसी तरीके से देखिए 235। तो इस तरीके से आप बैक कैलकुलेशन से भी आप अपना कैलकुलेशन एकदम फटाफट एकदम जल्दी से कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसी ट्रिक पाने के लिए दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई ट्रिक सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा दोस्तों। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ओके, और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।